Hey guys, very very good morning and welcome to my channel Indian Mom Kanchan. So guys, अभी सुबह के 9:30 बाप रे 9:30 बजे आज मैंने ना सबसे पहले उठ के अपना जो क्लीनिंग है वो कर लिया और उसके बाद तुरंत नहाने गई. मेरा लेमन हनी वाटर भी नहीं लिया मैंने, तो वो ले लेती हूँ क्योंकि बीच में ना बंद हो गया था लेमन हनी वाटर लेना, मेरा तबीयत ठीक नहीं थी तो अभी फिर से लेना स्टार्ट कर दिया मैंने. तो सबसे पहले अभी वो ले लेती हूँ और उसके बाद अपने सारे काम करती हूँ. बहुत लेट हो गया यार अभी. और हाँ, बाल देखो ना कैसे हो गए सोने की वजह से, टेढ़े मेढ़े. कल रात को पता नहीं कैसे सोई मैं, इतने टेढ़े मेढ़े हो गए पूरे बाल. तो अभी इसको सीधा कर करके परेशान हो रही हूँ ऐसे ऐसे कर करके. तो चलिए कोई बात नहीं, पहले ले लेती हूँ अपना लेमन हनी वाटर और उसके बाद अपने कामों में लग जाती हूँ. अद्विक के प्रोडक्ट्स का पिटारा अभी अद्विक को रेडी कर देती हूँ, है ना अद्विक? चलो आप माही, आप नहाने जाओ जल्दी से. अद्विक को रेडी कर देती हूँ बच्चा. चलो कर दूँ रेडी? बहुत थक गया हूँ. थक गया नहाने से. नहीं, थोड़ा मोटा गया इससे. देखो इतने दिनों के बाद आज आया है कारपेंटर भैया. काय चाटा मारता तुम्हें? देखो हम लोग बोल रहे थे ना कि क्या क्या हुआ है दिखाना, तो ये देखो बेड बना है, ये वाला ड्रॉर्स बना है, ये और उसके बाद ड्रेसिंग टेबल बना है और ये वार्डरोब बना है. आज से मायका लगने वाला है, आए ना किशोर बाबू? ये देखिए हो गया थोड़ा मोटा. हो चलते. और ये माही अद्विक की रूम, यहाँ पर प्याज रखे हम लोगों ने, ये ज़्यादा प्याज लाए थे एक्स्ट्रा वाले. और ये तो वैसे की वैसी पड़ी है, जब से हमारी तबीयत ख़राब हुई थी ना तब से बंद करके रखा था काम, तो अभी तक काम बंद ही था. अभी देखो ये तो आपने देख ही लिया है सब कुछ. अरे बाप रे, हाँ जो न्यू सब्सक्राइबर्स है उन्होंने नहीं देखा होगा. ये देखिए पूरा काम पेंडिंग है इसका, इसका भी और उसका भी. तो देखो ये भी पूरा आपको बनने के बाद ही पता चलेगा कि कैसे बनने वाला है. तो अभी यहाँ पर तो स्टडी टेबल भी बनाना बाकी है. तो देखो ये इस तरह से, चलिए
क्या है दिखा देती हूँ आपको। ये है रोटियाँ, और आज ना इसमें कपड़ा ऐड किया है। ये कपड़ा थोड़ा सा सॉफ्ट वाला, मतलब ये कॉटन वाला कपड़ा है, देखो इसकी वजह से रोटियाँ ख़राब नहीं होती। और उसके बाद ये है गोभी की सब्जी सूखी वाली, और इसके बाद दाल चावल, इसके अंदर दाल है तड़के वाले। तो बस जल्दी से खाना खा लेते हैं। को मैंगो काट के चाहिए तो उसे मैंगो काट के देती हूँ। इसका मैं सोच रही थी कि एक बचा था, मतलब एक आधा है और एक ये बचा है, तो मैं सोच रही थी कि मैंगो शेक बनाऊँ, बट इसे चाहिए अभी काट के ऐसे ही, वैसे ही खाना है बोल रहा है, तो इसी वजह से अभी काट के देती हूँ। देखो कारपेंटर अभी चले गया है, और सीढ़ियाँ देखो कितनी ज़्यादा गंदी हो चुकी है। मतलब कारपेंटर जाने के बाद ना सीढ़ियाँ इतनी गंदी होती है कि ऐसा लगता है कि कितने दिन हो गए पोछी नहीं है। तो अभी झाड़ू मार लेती हूँ और पोछा मार लेती हूँ इस पर, तब जाके अच्छा लगेगा, क्योंकि दिया लगाना है शाम को। बहुत लोगों ने पूछा था कि आप कपड़े कैसे धोते हो वॉशिंग मशीन में, तो आज आपको बताती हूँ वॉशिंग मशीन में मैं ये वाले, मतलब सेमी ऑटोमेटिक वाले, ये वाले वॉशिंग मशीन में कपड़े कैसे वॉश करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो पाइप है, यहाँ से अंदर यहाँ तक अटैच है ये पाइप, तो यहाँ से पानी जाता है। जैसे कि आप यहाँ से ये ऑन कर दो तो यहाँ पर ये पानी जाएगा। तो ये जब जितना पानी आपको चाहिए, इसका यही फायदा है कि जितना आपको पानी चाहिए उतना आप डाल सकते हो, और जितने आपको दो तीन भी कपड़े धोने हैं तो आप इसमें इजीली वॉश कर सकते हो। और
ऑटोमेटिक में क्या होता है कि उतना ही पानी वो लेगा, वो बहुत ज़्यादा झंझट होती है। तो मुझे ये वॉशिंग मशीन बेस्ट लगती है इसके लिए। तो आप देख सकते हो अभी थोड़े से ही कपड़े हैं, मैंने वॉश किए अभी। तो ये वाली जो मशीन है मेरी हायर की है, और आप इसका कोड देख सकते हो, ये वाला कोड है इसका। और इसका जैसे ही ऊपर करते हैं तो यहाँ पर टाइमर दिया है, तो आपको टाइमर लगाना है, जितना टाइम आप रखना चाहते हो उतना टाइमर लगाना है। और जब टाइमर ख़त्म हो जाएगा, ऑफ पे आ जाएगा, तो ये बीप देगा, तब आपको इसे ऑफ करना है और आपको पानी चेंज करना है या निकाल लेना है। और यहाँ पर है ड्रेन, पर स्टैंडर्ड है, यहाँ पर स्ट्रांग है, यहाँ पर ड्रेन है। से चद्दर या बेडशीट्स या कुछ भी वॉश करना है तो आपको स्ट्रांग पे रखना है। टॉवल वगैरह वॉश करना है तो स्ट्रांग पे रखना है। और अगर आपको नॉर्मल कपड़े वॉश करने हैं तो आप स्टैंडर्ड पे भी रख सकते हो या तो स्ट्रांग पे भी रख सकते हो, ज़्यादा कपड़े हैं तो स्ट्रांग पे रखना है। और ड्रेन इसलिए है कि जो पानी है आपका, जैसे कि मैंने अभी ये ड्रेन कर दिया, तो जो पानी है यहाँ का वो जा रहा है धीरे धीरे से, तो ये पानी ड्रेन होगा इससे। और उसके बाद जब पानी ड्रेन हो जाएगा, अभी ये लास्ट वाला जो पानी था वो था मेरा, मतलब पहले वॉश कर चुकी हूँ मैं, दो तीन पानी से वॉश करना है आपको। पहले पानी डालना है, उसके बाद सर्फ डालना है, या लिक्विड डिटर्जेंट आप यूज़ करते हो तो वो डालना है, और डेटॉल वगैरह यूज़ करते हो तो वो डालना है। उसके बाद आपको घुमा लेना है, एक दो बार घुमाना है जैसे आपके कपड़े गंदे हो वैसे। और उसके बाद आपको पानी चेंज करना है, जैसे ड्रेन करना है वो उसके बाद आपको पानी और ऐड कर देना है इसमें, और घुमा लेना है, और एक बार घुमाना है, और फिर पानी चेंज करना है। तीसरा पानी है ये जब मैंने डाला है, और तीसरा पानी अच्छे से वॉश कर देगा तीसरे पानी से। और उसके बाद ये है ड्रायर इसका, तो ये आप देख सकते हो ड्रायर है। यहाँ पर आपको कपड़े डाल देने हैं, जो भी आपने कपड़े वॉश किए हैं तो आपके कपड़े ड्राई होके निकलेंगे। जैसे कि अभी ये मैंने वॉश किए हैं, तो ये लास्ट पानी था, तो अभी ड्रेन कर दिया है, पानी चला जाएगा। उसके बाद ये कपड़े मैं डाल रही हूँ इसमें, तो ये कपड़े आपको डाल देने हैं। और आपको एक काम करना है, ये जो दिया होता है ना इसमें, तो ये आपको इस तरह से टाइट लगा देना है, और बस ये बंद कर देना है। और ये आप जब बंद करोगे ऊपर ये करना है, इसके बाद इसका भी टाइमर लगा देना है आपको। जैसे मैं एक मिनट पे रखती हूँ, तो एक मिनट में मेरे ये जो कपड़े हैं ना, ये ड्राई होके निकल जाएंगे, मतलब इसका जो पानी है वो निचोड़ जाएगा। और अभी ये टाइमर एक मिनट का लगाया है मैंने, इस तरह से आवाज़ आएगी, उसके बाद उसका पानी पूरा निकल जाएगा और वो ड्राई हो जाएंगे जो कपड़े मैंने इसमें डाल रखे हैं। तो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ कि वो कपड़े कैसे ड्राई होते हैं। अगर आपको ये वॉशिंग मशीन ख़रीदनी है ना, तो मेरी तरफ से तो इसके लिए हाँ है बिल्कुल, क्योंकि मैं इसे यूज़ कर रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा स्टर्डी है, मतलब बिल्कुल भी ये लाइट वेट नहीं है, अच्छे से अच्छी खासी ये हेवी है। उसके बाद इसका जो मटेरियल है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद इसका जो फंक्शन है नॉर्मल वॉशिंग मशीन के जैसा ही है, जो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है बस उसी की तरह है। और इसका कलर वाइट होने की वजह से थोड़ा सा मेंटेनेंस लगा था मुझे, पहले लगा था कि मेंटेनेंस ज़्यादा होगा, बट एक बार फिक्स कर दिया ना, थोड़ा सा अगर आप अंदर फिक्स करते हो, जैसे कि मेरा है यहाँ पे पानी वगैरह नहीं लगता है, तो इसका मेंटेनेंस कुछ नहीं है, थोड़ा सा एक बार पोंछ लो इसे बस हो जाएगा। और ऊपर का तो आप देख ही सकते हो, यहाँ पर गुलाब है और बहुत ही सुंदर इसका कलर है, मुझे बहुत प्यारा लगा था ये कलर। और मेरा जो यहाँ पर इंटीरियर बनाया हुआ है उसमें ज़्यादा वाइट यूज़ किया है मैंने, तो ये वाइट और ब्राउन का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, तो इसी वजह से ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। और मुझे ना पहले ये नहीं था, मतलब जो फर्नीचर है वो पहले नहीं था, पहले हम लोगों ने वॉशिंग मशीन ली थी, बट मैंने इसी हिसाब से ली थी कि ये वाइट जो कलर है वो किसी भी इंटीरियर के साथ मैच होता है, इसी वजह से मैंने ये ली थी। तो चलो अभी निकाल लेते हैं, ड्राई हो चुके हैं कपड़े, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि आप सुखाने के लिए डालते हो वैसे तो ड्राई नहीं होंगे, बट पानी पूरा निचुड़ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो सुखाने के लिए आप डाल सकते हो। ये देखो बिल्कुल भी गीला नहीं लग रहा है, और दोबारा से इसमें वो डाल दीजिए और बंद कर दीजिए। तो चलिए अभी ये कपड़े मैं सुखाने के लिए डाल देती हूँ, अभी इन्हें दिखाती हूँ मैं आपको। इकड़े या तुम्हारा जाको दे मैं इन्हें दिखाती हूँ मैं, इतने दिनों के बाद इन्होंने ये फॉर्मल पहना है, वो भी अभी रोल कॉल जाना है। अरे इधर तो आओ, इधर आओ, मुझे दिखा। मुझे सच में हंसी आ रही है इनको देख के, और माई भी हंस रही है कब से। माई इसलिए हंस रही है, माई ने कभी आपको ऐसे देखा ही नहीं।
ये ऐसे पुराने वाले फॉर्मल में देखा ही नहीं, अभी रोल कॉल में फॉर्मल ही पहन के जाना है बोल रहे थे और इसी वजह से ये जाना है रोल कॉल में। हाँ फॉर्मल पहन के ये वो निकाल लो ना उसका वो ये हाँ वो निकाल लो। हाँ अजीब दिख रहा है वो, नीचे करना है वो नीचे करना है, नहीं नहीं इधर ही ऊपर होना चाहिए लग रहा है। और इतने ज्यादा पतले हो गए अभी, सब लोग बोल भी रहे थे कि आप बहुत ज्यादा पतले हो गए हो करके, आपको क्या हुआ है इतना? ये इनकी तबीयत खराब थी, आपकी भी थी मम्मा की। हाँ तो इसी वजह से पतले हो गए ये बहुत, मतलब अभी मैं वहां पे थी ना ये खाते ही नहीं थे पता नहीं। पर वैसे भी गर्मी का मौसम है ना थोड़ा सा। हाँ गर्मी की वजह से पानी ज्यादा जाता है, बट मेरा तो नहीं, मेरी हड्डी ऐसी है, मतलब मैं कभी पतली नहीं होती, होती हूँ जब एफर्ट लगाती हूँ तब भी होती हूँ। आपके घर में सब एक ही साइज देखो के घर में पूरे के पूरे पतले। आपका टेढ़ा क्यों जा रहा है मास्क? देखो मास्क बराबर है, टेढ़ा। हाँ बराबर है, अब बराबर है। तो इनके घर में सब पतले पतले, हमारे घर में सब मोटू मोटू है। भाई मेरे ऊपर गई देखो। हाँ ये भी है, पता नहीं अभी नहीं, लेडीज का ऐसा ही होता है। मैं क्या शादी के टाइम पे ऐसी थी क्या मोटी मोटी? अरे शादी से पहले सब बारीक रहते हैं, शादी के बाद मोटे हो जाते हैं। हाँ पता है, लेकिन अद्विक देखो, अद्विक मुझ पे गया है, अद्विक मोटा नहीं है लेकिन मुझ पे गया, गोलू मोलू सा। गोलू मोलू आपको भी बचपन में ऐसी थी क्या? नहीं गोलू था, गोलू सेम सेम इसकी जैसे ही, अद्विक की जैसा, सेम टू सेम। अब अद्विक को देखो या गोलू के बचपन के फोटो देखो, सेम ही था गोलू। हाँ अद्विक के जैसे ही, इसलिए नाम रखे शायद से गोलू मामा गोलू। गोलू हाँ मैंने रखा था वो गोलू मामा का गोलू नाम, उसका तो वैसे तो विवेक नाम है बट मैंने गोलू रखा था उसका, वो गोलू गोलू दिखता था ना इसी वजह से। अद्विक को भी एकदम फ्रेश करके देना, देखो कैसे दिख रहा है। नहीं अभी ऊपर चलते हैं ना, ऊपर देखते हैं ना क्या क्या हुआ है आज, क्या क्या बनाया है। तो चलो ये इन्होंने भी नहीं देखा, आए नहाया इन्होंने और अभी और रोल कॉल पे जा रहे हैं। तो आपने देखा क्या? हाँ। कैसा बनाया? अरे बताओ, ऊपर चल के बताएंगे। चलो 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 कैसी? अच्छा अच्छा ऐसी ऐसे भागने की, लाइट लाओ। चलो देखो लाइट तो लगाओ। अरे यहाँ पर लगा के रखा होगा ना उन्होंने कुछ, उधर रखा है। अरे ये काटा क्यों इन्होंने? ये क्या? ये वाला ये? अच्छा अच्छा यहाँ के अरे ये यहाँ के डोर है। मैं सोच रही हूँ इतने बड़े लंबे लंबे डोर क्यों काट के रखे इन्होंने। हाँ 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 मैंने उनको मायका बताया ना लगाने के लिए, तो यहाँ पर इसके ये है मायका, ये वाला लाइट कलर है और एक डार्क कलर है। पापा हाँ लपून ठेवायचं चॉकलेट छान। हाँ ते मी तुझ्या चॉकलेट साठी वेगवेगळ्या कंपनीचे वेगवेगळे चॉकलेट ठेवायसाठी बनवले मी। हाँ अरे ते खुलत नाही बेटा। चल चलो ये आपके लिए बनाया है, अलग अलग कंपनी के अलग अलग चॉकलेट रखने के लिए। चलो उधर देखते उधर देखते उधर। यहाँ पे ये देखो। ऊपर देखो। अरे 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 ऊपर देखो। हाँ अरे वाह वो तो मैंने दिखाया, सुबह ही दिखाया। ये हो गया क्या? देखो मम्मा हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट अद्विक, ये देखो ये वाला मायका है मेरे रूम का, अच्छा लग रहा है। मैंने उनको लाइट बोला लाइट लगाने के लिए सारी जगह पे, मतलब सारी नहीं, कई कई जगह पे डार्क बताया, कई कई जगह पे लाइट बताया। तो ये देखिए ये मायका है और ये डार्क वाला है, ये देखो ये वाला जो है ना ये डार्क वाला है, लगने के बाद ही आपको पता चलेगा, वैसे अभी नहीं पता चलने वाला है ना। हाँ इसका लगने के बाद लुक आया ना वैसे ही आपको इसका पता चलेगा। तो चलो फिर आप भी जाओ। हाँ हाँ जादू दिखाओ, ये दे। हाँ अरे वाह कितना अच्छा जादू है, अरे अभी तो खुलता ही नहीं। अद्विक अद्विक हमें तो पता ही नहीं था जादू है करके ये। और आपका जादू फेल कर दिया मैंने। चलो
चलो आप भी जाओ ड्यूटी, मतलब क्या बोलते तो रोल कॉल पे। क्यों जा रहे बोलते? अच्छा अद्विक, अद्विक पापा कहाँ पे जा रहे हैं? रोल कॉल, अभी रोल कॉल बोल रहा है, नहीं तो बोल रहा था कि आप फेविकॉल के लिए क्यों जा रहे हो। चलो 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 नीचे चलते, फेविकॉल आने जा रहे हैं। चलो गाइज ऐसा बना है ऊपर का, और ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, मतलब सिर्फ माइका लगाया है, वो पट्टियां लगा के रखी है उन्होंने, कल फिनिशिंग करेंगे वो, पता नहीं अभी तो पता नहीं चल रहा है कि क्या क्या हुआ है। तो चले फिर अभी मैं इसके साथ इस ब्लॉग को एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो लाइक कर देना, शेयर कर देना और इसके साथ सब्सक्राइब भी कर देना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और सब्सक्राइब का जो रेड बटन है उसे क्लिक करना मत भूलेगा, और उसको क्लिक करोगे तो उसके बाजू में जो बेल आइकॉन आएगा उसे क्लिक करना मत भूलेगा, उसे ऑल पे क्लिक करना ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ही सबसे पहले मिले और उसे आप सबसे पहले देख पाओ। और हाँ, इसके अलावा मेरे दो और चैनल है, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। Bye.